तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह डीमन रेन से बोलता है, मैं तुम्हें इस जगह पर एक आसान मौत दूंगा, पर इससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा खेलना चाहता हूँ। और यह बोलता हुआ वह उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। टानिया बोलती है वह तो यहाँ से भाग रहा है। रेन बोलता है नहीं, वह भाग नहीं रहा है, बल्कि वह सिटी के लोगों पर अटैक करने के लिए जा रहा है। वहीं रेन सोच रहा होता है कि यह डीमन कोई कमजोर डीमन नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वह पीछे देखता है कि कानडे और बाकी सब वहां पर रेन की मदद करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। अब रेन स्टेला से बोलता है कि वह इस जगह पर नीना का ध्यान रखे, तब तक वह लोग डीमन से निपटते हैं। तभी नीना बोलती है वह भी रेन के साथ जाना चाहती है। रेन बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें फाइट करना पसंद नहीं है, तो तुम इस जगह पर सेफ रहोगी। और अब रेन नीना को उसी जगह पर छोड़कर अपने सभी साथियों के साथ डीमन के पीछे चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह डीमन टाउन में चारों ओर अटैक करता हुआ टाउन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वहीं यह करके वह काफी ज्यादा खुश होता है। तभी पीछे से आकर टानिया उसे मारकर नीचे गिरा देती है, पर उस डीमन को कुछ भी नहीं होता है और वह खड़ा होते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना कि इस जगह पर अपना काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे साथ भी खेलूंगा, तो आखिर तुम्हें किस बात की जल्दबाजी है। तभी रेन बोलता है हम इस जगह पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। यह सुनते ही वह डीमन हंसने लगता है और बोलता है आजकल छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझने लगे हैं। तभी कानडे दोबारा उसके पीछे से उस पर अटैक कर देती है और अब टानिया उस पर अटैक करके उसका बैलेंस बिगाड़ देती है। उसी वक्त रेन अपने वेपन का यूज करते हुए उसे बांध देता है। डीमन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पर मुझे रोक सकते हो, और अब वह काफी आसानी से उस रस्सी को तोड़ता हुआ वहां से आजाद हो जाता है। रेन बोलता है हम तो बस तुम्हारा ध्यान भटका रहे थे। वहीं उस डीमन के पीछे से सोरा और रूना एक फॉर्मेशन तैयार कर रही होती है और उस फॉर्मेशन के तैयार होते ही वह उस डीमन पर अटैक कर देती है। अब उस अटैक से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर उस डीमन को उससे भी कुछ भी नहीं होता है। अब वह डीमन आगे बढ़ता हुआ बोलता है यह तो गलत बात है, तुम इस जगह पर 5 लोग हो जिसमें से 4 अल्टीमेट स्पीसीज है, और मैं इस जगह पर अकेला, तो फिर क्यों ना मैं अपने कुछ दोस्तों को यहाँ पर बुला लूं। और अब वह अपनी समनिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह पर कई सारे मॉन्स्टर्स को बुला लेता है। वहीं यह सभी छोटे मॉन्स्टर उसके सर्वेंट होते हैं और वह उसके इशारे पर रेन और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं, पर कानडे और टानिया काफी आसानी से उन छोटे मॉन्स्टर्स को मार देती है, जो देखकर वह डीमन बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस जगह पर कब तक फाइट कर सकती हो। और अब वह लगातार उस जगह पर समन करते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स को बुलाने लगता है। कानडे मॉन्स्टर के उस वेव पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वह डीमन कानडे पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब यह देखते ही रेन सोरा और रूना कानडे को हील करने लगते हैं। दूसरी ओर टानिया उस डीमन के साथ फाइट करने लगती है। अब हील होने के बाद कानडे पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दूसरी ओर टानिया उस डीमन को रोके रखने की कोशिश कर रही होती है, पर उस डीमन के अटैक से वह भी घायल हो जाती है। अब वह डीमन बोलता है सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो ड्रैगोनाइट, जो मेरे इस अटैक से यहाँ पर जिंदा बच गई। और अब वह काफी तेजी से अटैक करता हुआ पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यह देखकर रेन को काफी गुस्सा आता है और अब वह अपने फायरबॉल मल्टीशॉट टेक्निक का यूज करता है, पर उस डीमन को कुछ भी नहीं होता है। तभी पीछे से सोरा और रूना एक स्पिरिट शॉट से अटैक करके उस डीमन को फ्रीज कर देती है। उसी वक्त रेन अपने बूस्ट टेक्निक का यूज करते हुए कानडे और टानिया की पावर को बढ़ा देता है, और अब कानडे और टानिया उस जगह पर बुरी तरीके से उस डीमन को मारने लगती है। उसी वक्त सोरा और रूना एक साथ मिलकर उस डीमन के ऊपर अपने जजमेंट टेक्निक का यूज करती है। अब इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद वह डीमन घायल हो जाता है और उसका एक हाथ भी कट चुका होता है, पर इसके बाद भी वह हंस रहा होता है, जिसके बाद वह चुटकी बजाकर उस जगह पर अपने कई और सारे सर्वेंट को बुला लेता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वह डीमन बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि इस जगह पर तुम्हारे अंदर कितना स्टैमिना है और तुम कब तक फाइट कर सकते हो। और यह बोलता हुआ वह अपने सर्वेंट्स को होराइजन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है और खुद कुछ मॉन्स्टर्स के साथ उड़ता हुआ आसमान में एक काफी ऊंची जगह पर चला जाता है,
तानिया उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वह डीमन अपने साथ खड़े कुछ मॉन्स्टर्स को अपने शील्ड की तरह यूज करता है और अब वह उनकी रेंज से बाहर चला जाता है जिससे वह लोग उन पर अटैक न कर पाए। अब कानरे बोलती है, रेन अब हमें क्या करना चाहिए। रेन बोलता है, हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो यह मॉन्स्टर्स पूरे होराइजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी सोरा बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करते हुए होराइजन में मौजूद सभी लोगों को टेलीपोर्ट करके एक सेफ जगह पर पहुंचा देंगे, जिसके बाद रेन यहां पर डीमन से फाइट करने में फोकस कर सकता है। रेन बोलता है, यह एक अच्छा आइडिया है, पर इससे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा। तभी सोरा और रूना दोनों एक साथ बोलती है, अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर एक जगह खड़ा आरियोस अपने साथियों के साथ टाउन में हो रहे डिस्ट्रक्शन को देख रहा होता है। तभी मीना बोलती है, आरियोस हमें उस जगह जाकर डीमंस को मारना चाहिए जिससे हम वहां मौजूद लोगों को बचा सके, और डीमंस के साथ फाइट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरियोस बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा दुश्मन इस जगह पर बस डीमन किंग है और मैं इस जगह पर छोटे मोटे डीमंस के साथ फाइट करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। यह सुनकर लिलियन उसे सपोर्ट करती है। तभी आगार्ड बोलता है, आरियोस अगर हमने इस जगह पर कुछ नहीं किया तो होराइजन में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। आरियोस बोलता है, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और आगार्ड और मीना, क्या तुम इस जगह पर मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। जो सुनते ही आगार्ड और मीना दोनों ही चुप हो जाते हैं। वहीं आरियोस सोच रहा होता है, मैं समझ गया, उस डेथ स्पेल के लगने के बावजूद रेन नहीं मरा और वहां पर ज्यादा नेगेटिव इमोशन मिलने की वजह से वह डीमन आजाद हो गया, तो अब वह डीमन ही उस जगह पर रेन को मारेगा। दूसरी ओर स्टेला और उसके सोल्जर्स लगातार उन छोटे मॉन्स्टर से फाइट किए चले जा रहे होते हैं, पर वह मॉन्स्टर लगातार आए ही चले जा रहे होते हैं जिससे वह सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। यह देखकर स्टेला उन सभी लोगों को मोटिवेट करती है, जो देखते ही वह सभी लोग फाइट करने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। तभी उस जगह पर भागते हुए सोरा और रूना भी आ जाते हैं और अपने टेलीपोर्टेशन वाले प्लान को उसे बताते हैं। अब उस प्लान के बारे में सुनकर सभी लोग उस पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्टेला अपने सोल्जर्स के साथ होराइजन के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने लगती है। वहीं खड़ी नीना यह सब कुछ देख रही होती है। दूसरी ओर कानरे और टानिया लगातार उन छोटे मॉन्स्टर्स को मारे ही चली जा रही होती है, पर वह मॉन्स्टर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। अब रेन उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टानिया और कानरे उसे रोक देती है और बोलती है कि रेन को अपनी पावर उस डीमन से फाइट करने के लिए बचाकर रखनी चाहिए और जल्द ही यहां के सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे, इसके बाद वह डीमन का सामना अच्छी तरीके से कर पाएगा। दूसरी ओर स्टेला सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर देती है और उन्हें सोरा और रूना के द्वारा बनाए गए मैजिक फॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए बोलती है, पर वह सभी लोग हिचक रहे होते हैं क्योंकि सोरा और रूना फेरीज है, इस बारे में उन्हें पता चल चुका होता है और वह आपस में बात कर रहे होते हैं, कहीं यह कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि हमने सुना है फेरीज बुरी होती है। अब यह सुनकर सोरा और रूना को बहुत बुरा लगता है। तभी एक आदमी आगे आता है और बोलता है, तुम तो वही हो ना जिसने मेरी दुकान से हॉट डॉग खरीदा था, तो तुम्हें वह कैसे लगे थे। यह सुनते ही सोरा और रूना उस हॉट डॉग की तारीफ करने लगती है। अब वह पर्सन हंसता हुआ बोलता है, अगर फेरीज को इंसानों का खाना पसंद आता है तो वह इंसानों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और यह बोलता हुआ वह उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है। अब यह देखकर धीरे धीरे सभी लोग फॉर्मेशन के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं और सोरा और रूना अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें टेलीपोर्ट कर देती है और अब वह और भी लोगों को मैजिक सर्कल के अंदर आने के लिए बोलती है। तभी एक सोल्जर वहां पर भागते हुए आती है और स्टेला को बताती है कि काफी ज्यादा मात्रा में मॉन्स्टर्स उनकी ओर आ रहे हैं। अब उन मॉन्स्टर्स को देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सोरा बोलती है, इन मॉन्स्टर्स को मैं यहाँ पर संभालती हूँ, रूना तब तक तुम इन लोगों को टेलीपोर्ट करो। दूसरी ओर कानडे और टानिया भी सभी मॉन्स्टर्स को मारे चली जा रही होती है, पर वह मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी उस जगह पर गिल्ड के कई सारे एडवेंचरर्स आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए बोलने लगते हैं, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस जगह हमारे साथियों पर अटैक करने की। वहीं टानिया के वह दोनों डिसाइपल भी वहां पर होते हैं, जो टानिया से बोलते हैं कि मिस टानिया आप आगे जाए, इन मामूली से मॉन्स्टर को हम संभाल लेंगे। और अब वह रेन को बताते हैं कि जैसे ही नाटाली को होराइजन में हुए अटैक के बारे में पता चला, उसने गिल्ड में मौजूद सभी एडवेंचरर्स से रिक्वेस्ट की कि
वह रेन और बाकी सबकी जाकर मदद करे, जो सुनते ही सभी लोग रेन और बाकी सबकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि रेन ने कई बार उन लोगों की काफी ज्यादा मदद की थी। तभी गिल्ड में वेपन स्मिथ भी आ जाता है, जो अपने साथ कई सारे वेपन्स लेकर आया होता है, और अब वह बोलता है कि अगर तुम इस जगह पर रेन की मदद करोगे तो मैं तुम्हें यह सभी वेपन्स फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। और वह सभी वेपन्स हाई ग्रेड वेपन्स होते हैं, जिन्हें देखते ही सभी एडवेंचरर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में वह सभी एडवेंचरर्स उन मॉन्स्टर को मारने चले जा रहे होते हैं और रेन से बोलते हैं कि रेन, हम इन्हें रोकते हैं, तब तक तुम उस डीमन को ठिकाने लगाओ। जिसके बाद वह रेन को आगे जाने के लिए एक रास्ता बना देते हैं। अब रेन उन सभी को थैंक्स करता है और डीमन की ओर आगे बढ़ने लगता है, पर वह डीमन काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, जिस तक उन सभी लोगों के अटैक्स नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर स्टेला और उसके सभी सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे होते हैं, वहीं सोरा भी उनकी मदद कर रही होती है, और रूना काफी तेजी से अपनी पावर का यूज करते हुए सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर रही होती है। वहीं खड़ी नीना यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह सोचने लगती है कि वह शुरू से ही किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसकी पावर की वजह से किसी को हर्ट ना हो जाए। पर इस जगह पर सभी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं, और वह बस इस जगह पर खड़ी होकर उन सभी को देख रही है। और अब वहां पर सोरा सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर देती है, जिसके बाद वह नीना को भी वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी वह देखती है कि नीना वहां से गायब होती है। दूसरी ओर रेन बोल रहा होता है, मुझे उस डीमन के और भी ज्यादा पास जाना होगा, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कैनेडे बोलती है, टानिया तुम अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर रेन को अपने ऊपर बिठाकर उस डीमन के पास क्यों नहीं लेकर जाती हो। टानिया बोलती है, अगर वह अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो इस जगह पर उन लोगों को काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाएगा, और इस जगह पर उन मॉन्स्टर्स की संख्या ज्यादा है, तो अगर वह अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो अपने आप को नहीं बचा पाएगी। पर अगर इस जगह पर सोरा या रूना में से कोई मौजूद होती तो रेन को टेलीपोर्ट करके उस डीमन के पास पहुंचा सकती थी। तभी उस जगह पर भागते हुए नीना आती है और वह रेन को पकड़कर बोलती है कि वह भी इस जगह पर लोगों की मदद करना चाहती है। अब नीना को देखते ही टानिया और कानडे दोनों हैरान होते हुए बोलती है, यह तो एक डेमीगॉड है, और डेमीगॉड्स के पास स्पेस मैनिपुलेशन की पावर होती है, जिससे वह इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। रेन बोलता है, नीना क्या तुम यह कर सकती हो, मुझे उस डीमन के पास जाना है, तो क्या तुम मुझे सेफली उसके पास पहुंचा सकती हो। नीना हाँ में जवाब देती है। तभी उनकी ओर कई सारे मॉन्स्टर भागते हुए आने लगते हैं, जिन्हें देखकर कानडे और टानिया बोलती है कि वह इनको संभालती है, तब तक रेन उस डीमन को ठिकाने लगाए। अब रेन नीना को लेकर काफी तेजी से उस डीमन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर वह डीमन रेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर नीना अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की मदद से डीमन के सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है और रेन को उस डीमन के पास पहुंचा देती है। यह देखकर वह डीमन हैरान हो जाता है और रेन से दूर जाने की कोशिश करता है, पर नीना हर बार रेन को उस डीमन के पास पहुंचा देती है। यह देखकर वह डीमन काफी हैरान होता है। तभी वह नीना को रेन के साथ देखता है और समझ जाता है कि यह सब कुछ एक डेमीगॉड कर रही है। उसी वक्त रेन बूस्ट स्पेल का यूज अपने ऊपर करता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह देखकर वह डीमन हंसते हुए बोलता है, तुम एक इंसान हो और भले ही इस जगह पर तुम्हारी पावर बूस्ट हो जाए, तुम इतने सारे मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते हो। और अब वह उन सभी मॉन्स्टर्स को रेन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसी वक्त नीना रेन को टेलीपोर्ट करके सीधा उस डीमन के सामने ले आती है। उसी वक्त रेन अपनी एक्सटेंशन टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन से उन सभी मॉन्स्टर्स के कंट्रोल को अपने हाथ में लेने लगता है, पर इससे उस डीमन के अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी रेन के अंदर आने लगती है, जिस वजह से रेन को काफी ज्यादा पेन होता है। पर रेन अपने आप पर कंट्रोल करता हुआ उन सभी मॉन्स्टर्स को टेम कर लेता है, और अब वह सभी मॉन्स्टर्स रेन के कंट्रोल में होते हैं, जो देखकर वह डीमन काफी ज्यादा डर जाता है। अब रेन उन सभी मॉन्स्टर्स को उस डीमन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसी वक्त वह डीमन काफी गुस्से में रेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सभी मॉन्स्टर्स एक साथ उस डीमन पर अटैक करके उसे खाने लगते हैं, और थोड़ी ही देर में उस डीमन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से वह मॉन्स्टर्स भी अपने आप ही गायब हो जाते हैं। वहीं वह डीमन अब मर रहा होता है, और अब वह मरते हुए बोलता है, तुमने इस जगह पर मुझे हराया है, तो क्या अब तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे। रेन नामे जवाब देता है। यह सुनते ही वह डीमन हंसता हुआ वहां से गायब हो जाता है। अब इतनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से नीना उस जगह पर थक चुकी होती है,
और अब रेन और नीना दोनों एक साथ ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। तभी टानिया काफी तेजी से उड़ते हुए आकर उन दोनों को वहां पर बचा लेती है और अब वह सभी लोग एक पिलर पर खड़े होते हैं। वहीं पर रेन सोच रहा होता है, यह सब कुछ यहाँ पर खत्म हुआ और मैं यह देखकर खुश हूँ कि इस जगह पर कोई भी हर्ट नहीं हुआ है। अब दिखाया जाता है कि अटैक के 3 दिन बाद होराइजन के सभी लोग डिस्ट्रॉय हो गई चीज को दोबारा से बना रहे होते हैं। वहीं करप्ट नाइट और होराइजन के लॉर्ड को पनिश किया गया होता है और अब स्टेला नीना को उसके विलेज में पहुंचाने की कोशिश करती है, पर जब एडगर ने नीना को उसके विलेज से किडनैप किया था तभी वहां रहने वाले सभी लोग उस विलेज को छोड़कर चले गए थे। वहीं कनाडे सभी लोगों को अपना घर बनाने में उनकी मदद कर रही होती है। वहीं सोरा और रूना भी सभी लोगों की मदद कर रही होती है। तभी स्टेला रेन के पास आती है और उससे बोलती है कि रेन सच में एक हीरो है, उसने पूरे होराइजन को बचा लिया। रेन बोलता है, नहीं मैं कोई हीरो नहीं बल्कि मैं एक मामूली सा बीस्ट टेमर हूँ। और अब यह सुनकर सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।